टूर्नामेंट पूरा हुआ है आईएनसीएल T20 इंटर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एनी गेस कौन हो सकता है? वही जिसका गेस अभी आपने किया था, दर्शन पटेल एक बार फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उत्तर गुजरात के धाकर बल्लेबाज लोहिंदा दालिया दर्शन पटेल। आइए राहुल जी, दर्शन पटेल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दर्शन पटेल लोहिंदा दालिया। द मैच और टूर्नामेंट के विनर, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपकी? बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने आपको बोला था पहले भी, मुझे इसे क्रिकेट के काबिल समझा मेरे दोस्त मेहुल पटेल ने, इसी वजह से मैं कर पाया। मुझे पता नहीं था आईएनसीएल क्या थी, उसने मुझे मेरे आईएनसीएल के हकदार समझा और मुझे आके यह बहुत अच्छा हुआ। सभी खिलाड़ियों को देख के थैंक यू सब ऑल। दर्शन, आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तीनों मैच जीते हैं, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी, किस तरह से आपकी मीटिंग में बात होती थी और किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या सब चलता था आप लोगों के बीच में? हम उस हिसाब से जिसको जिस तरह से बॉलिंग डालनी हो, जाके बैट्समैन आता था उस हिसाब से कौन सी कई बॉलिंग डालनी है, कौन सी तरह की पेस बॉलर डालना है, उस हिसाब से हम कैप्टन साहब ने अच्छी प्लानिंग की थी, इसी हिसाब से हम तो दर्शन, मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपकी क्या तैयारी रहती है, आप कैसे करते हैं, है ना? अभी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अब प्लान कर रहे हैं आगे क्या करने वाले हैं और किस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी आगे के लिए? बस अभी तो दिल्ली जाने बोल रहा था, उसके बाद गोवा जाने में, आगे तो कुछ सोचा नहीं है, आगे कहाँ तक पहुँचूंगा मैं उसका तो मेरे को भी अंदाजा नहीं है, जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और टूर्नामेंट के बारे में भी दो शब्द कहिए, आपको कैसा लगा यहाँ कर और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बना हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस विकेट के इस स्पॉन्सरशिप ने जो भी आयोजन किया है बहुत ही अच्छा किया, सभी खिलाड़ी को बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे बहुत गर्व होता है। थैंक यू सो मच दर्शन, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपको बहुत बहुत बधाई, मैन ऑफ द मैच है और आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है दर्शन पटेल।